अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल है जनाब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और शुरू करते हैं आज का मजेदार ब्लॉग। जल्दी से चैनल को भी आना, सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ ना। मैं निकला हुआ था अपने मॉर्निंग वॉक पे और मैंने ऑफ कैमरा काफी ज्यादा वॉक कर भी लिए यार, काफी पीछे गया हुआ था और अभी उधर से मैं वापस आ रहा हूँ। तो जो है ना, सूरज भी सही करारी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल, आसमान साफ है बिल्कुल, फोग का तो नामो निशान भी नहीं था आज। जनाब कुछ दिन पहले यहाँ पे तजावजात का अमल हुआ था और ये सारी जो रेड़ियाँ वगैरह जो इधर लगी हुई थी ना सब्जी की, यानी कि इस लैंड में, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी जो है ना दोबारा से यहाँ पे लगनी शुरू हो चुकी हैं रेड़ियाँ वगैरह ना। यहाँ पे इन रेडियों वालों को इसलिए नहीं खड़ा होने दिया जाता क्योंकि ये है वन वे रोड, अलग से एक रोड है पूरा, और ये जो है ना ब्लॉक हो जाती है, यहाँ भी रश बन जाता है। तो जब इस मेन रोड पे रश होता है ना तो ये वैसे बंद हुआ हुआ होता है लोगों की वजह से, तो इस वजह से जो है ना ट्रैफिक फिर दोबारा बढ़ जाती है। अब इतवार है, इतवार की छुट्टी होती है, आपको भी पता है हमें भी कॉलेज से छुट्टी है, स्कूलों से बच्चों को भी छुट्टी है जी ना। मैं सुबह टाइम उठा भी लेट हूँ भी, आप लोग देखो यार अच्छी खासी धूप निकली हुई है। आगे जब मैं उठता ना तो सूरज तलू होता उस टाइम, तो यार आज दरअसल छोटे बहन भाई भी स्कूल नहीं गए तो अभी तक कोई भी नहीं उठा घर मेरे सिवा, लेकिन उठा लेट ही हूँ। और अभी मैं जो हूँ ना ताला लगा कर आया हुआ था, तो अभी ना ताला खोलते हैं। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बच्चे छोटे छोटे जो है ना कैंची मांगने के लिए आए थे, ये लो ले जाओ। जनाब मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले जो है ना इनका बाजार डाल दिया था, माशाल्लाह सामने बेबी नज़र आ रहा है, और पानी भी डाल दिया था। तभी जो है ना ये लोग सुबह ही उठते जो है ना इन्होंने शोर भी करना शुरू कर देते हैं अपना अपना, और माशाल्लाह उधर भी देती हैं इस कुछ बेबी है, और वो जो पीछे नज़र आ रही है ना वाइट चिड़िया बैठी है, उसके पास भी माशाल्लाह दो तीन बेबी वगैरह और अंडे हैं। तो माशाल्लाह यानी कि इनकी नस्ल अच्छी तो अच्छी जा रही है। आ गई हैं सब्जियाँ, और सब्जियों में इनकी केयर करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, पहले तो हम करते ही हैं लेकिन इतनी फास्ट ही अब जो सब्जियाँ आ गई हैं और जो है ना इनको सर्दी से भी बचाना है। तो खैर जनाब ये पर्दे के और मेरे कपड़े तकरीबन मैच ही हो रहे हैं कलर। मैं छत पे आया हूँ, ठीक है धूप अच्छी खासी निकली हुई है, और अपने छोटे बहन जो है ना अपनी बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं मिट्टी साल लगे हुए। तो खैर आज इन्हें भी छुट्टी इतवार की, इस वजह से जो है ना सुबह सुबह उठ गए। जनाब मीठे पानी का बड़ा मसला बना हुआ है, ठीक है मीठा पानी आता है या पता नहीं नहीं आता है, या हमारी मोटर नहीं उठा रही, हमें जो है ना पहले प्रॉब्लम ही ट्रेस नहीं हो रही हमसे। तो हम लोग तो रोजाना जो है ना सुबह 3 बजे 2 बजे हर टाइम मोटर चेक करते हैं लेकिन पानी आता ही नहीं है, लेकिन जो हमारे आसपास वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई पानी आ रहा है। इसका मतलब यही है कि तकरीबन अपनी मोटर में कोई खामी है। तो खैर प्रॉब्लम मुझे तो यही लग रही है, लेकिन हो सकता है कि भाई हमारे पाइपों में हमारे स्पेशल कह रहे हैं कोई पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे तारें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये केबल की तारें यहाँ पे देखें, ये सारी केबल की तारें हैं, और यहाँ से जो है ना दो घरों में डिवाइड होकर जा रही है केबल, जबकि तीसरे घर से आ रही है। केबल का इतना नेटवर्क होने के बावजूद हमारे घर केबल नहीं लगी हुई, केबल लगी हुई है लेकिन हमारे घर इंटरनेट है, तो जो हमारे पास LCD है वो यूट्यूब से कनेक्टेड होती है, तो यूट्यूब पर जो है ना सब कुछ होता है, तो जो ड्रामे या फिल्में या खबरें या जो चीज़ आपको चाहिए हो तो आपको यूट्यूब से मिलेगी। तो इस सूरत में जो है ना हमने केबल लगवाई थी लेकिन फिर जो है ना ख़त्म हो गई, यानी कि केबल ख़राब हो गई, अब शायद सही आती हो लेकिन अब हमने जो है ना केबल डिस्कनेक्ट ही करती हुई है। तो अभी जो है ना हमारी यूट्यूब भी चलती है, और यूट्यूब के अलावा उस पर हर चीज़ है, एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर सब कुछ है, तो केबल की ना इतनी खास ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी तारे में देख रहा हूँ कि यार इतनी तारे हैं फिर भी इसके बावजूद हमारे पास केबल है ही नहीं। जनाब आसमान चेक करें, बिल्कुल साफ हुआ हुआ है, और इस तरफ जो है ना सूरज राज में अपने जनाब सीन कुछ इस तरह का। मुझे भूख जो है ना बड़ी शदीद लग रही है, लेकिन संडे वाले दिन की मैं रूटीन आपको बता देता हूँ कि भाई जो है ना सारे घर वाले उठते हैं थोड़ा लेट, क्योंकि बच्चों ने या मैंने कहीं भी नहीं जाना होता स्कूल या कॉलेज, तो इस वजह से सारे उठते हैं लेट। और खाना जो है ना 8:30 बजे तक लास्ट लिमिट होती है गैस की, और फिर 8:30 के बाद गैस आती है 12:15 या 11:30, यही कोई टाइम है। तो भाई इस दौरान जो है ना अब हम सारे नींद पूरी करेंगे, और 11:30 ही नाश्ता मिलेगा आज, क्योंकि अभी जो है ना मुझे भूख बड़ी शदीद लग रही है, सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करने की आदत है, और उस बंदे को अगर 11 या 12 बजे नाश्ता मिले तो आपको पता है कि कितनी भूख लग रही होगी, तो इस टाइम मुझे भी जो है ना काफ़ी भूख लग रही है। बात नहीं जनाब, बर्दाश्त करेंगे भूख, क्योंकि जो है आगे से रोज़े भी करीब आ रहे हैं, तो समझ लेते हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोज़े मेरे ख्याल से थोड़े सी दूर रह गए हैं, 3-4 महीने का वक्त रह गया। माशाल्लाह आपके भाई ने रोज़े भी तो सारे रखने होते हैं ना, तो फिर प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। नाश्ता तो नहीं आया जनाब, लेकिन उस टाइम तक बिस्किट खा के जो है ना गुजारा करते हैं। ओके जनाब, तो भाई अभी जो है ना नाश्ता आ चुका है जी, परांठा और साथ साग है, तो भी जो है सर्दियों का फ्रूट यानी जो भी कह लो सर्दी में साग ही मिलता है, तो भी जो है ना अपना नाश्ता करते हैं। अगर आपने करना है तो आ जाओ मिल के करते हैं, नहीं तो मैं तो करने लगा। हाँ मुझे बार बार ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि मैंने कॉलेज जाना है, लेकिन आज छुट्टी है इतवार की, और भी तो कॉलेज का टाइम भी निकल गया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगा कि कॉलेज जाना था।
ना नाश्ता करने के बाद एक काम कर रहा था और काफ़ी देर लगी हुई मुझे काम करने में। खैर अभी जो है ना मैं फ्री हो चुका हूँ उस काम से, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह मैं बना रहा था, अभी जो होना मैं फ्री हो गया हूँ और अभी जो है ना दोपहर का टाइम है, ठीक है। पूरे हफ्ते में जनाब इतवार का वाहिद दिन है जिस टाइम मैं पूरा दिन जो है ना घर होता हूँ, अदरवाइज जो है ना पहले मैं शॉप पर भी जाता था और कॉलेज भी जाता था और पूरा हफ्ता मैं घर रहता ही ना था, सिर्फ रात को सोने के लिए मैं आता था। लेकिन अभी जो है ना रूटीन थोड़ी सी सेट हो चुकी है, अभी मैं सुबह टाइम भी घर होता हूँ, जिसमें कि आज इतवार था, कॉलेज से भी छुट्टी थी तो मैं कॉलेज के टाइम पे भी घर रही हूँ। तो बाकी जो अभी मंडे से रूटीन की बात शुरू हो जाएगी, फिर कॉलेज जो है ना रोजाना जाया करना है। हमारी जो छोटी सी काकी है ना वो मेहनत कर रही है, क्या कर रही हो आप? ये क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग में क्या कर रही हो आप? बाजू बना रही हो? किसकी बाजू? ये क्या? वाओ, हाँ जी, किसकी ड्राइंग बना रही हो? ये बंदे की? अच्छा चलो नमाजों के नाम सुना दो। फजर। हाँ जी जी। फजर ले, फिर वही फजर। अच्छा चलो फिर से फजर। हाँ जी हाँ जी। असर। हाँ जी। मबीब ईशा। अच्छा ये भी मबीब का टाइम हो गया, अजाने होगी मबीब की। अभी जो है आप लोगों को पता चल गया कि मबीब का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद और जो है ना नमाज पढ़ते हैं मस्जिद की, मस्जिद चल के। जनाब तो अपना आज का व्लॉग करते हैं इधर ही खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा प्यार दूंगा मैं।